बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई साहब इतना को मेरा गला ख़राब है, जो कि इतना गला मेरा ख़राब हो चुका है, बोला भी नहीं जा रहा। तो मैं बहुत मुश्किल से जो कि बोल रहा हूँ अपनी तरफ से फुल आवाज़ निकाल के। तो अभी मैं अम्मा जी के पास से आ रहा हूँ, तो अम्मा जी से मैं पूछ रहा हूँ क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अभी टाइम नहीं लाया करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। अम्मा जी के पास से आकर दोबारा आपको मिलते हैं, लेट्स गो। अभी मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, तो अम्मा जी से मैं पूछ रहा हूँ क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मजेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना लगी हूँ फलिया गोश्त। फलिया गोश्त जी। चले जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं फलिया गोश्त। ये देखते हैं किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मजेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अब टाइम ज़्यादा करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, बाद रखे, खुश रखे। फलियाँ कुछ पाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। एक किलो मैंने फलियाँ ले ली थी और आधा किलो मैंने ये गोश्त, छोटा गोश्त ले लिया है, मटन ले लिया मैंने, ये दो मीडियम प्याज मैंने एक इस तरह काट लिए हैं, और जो दो मीडियम प्याज लेके मैंने इस तरह काट लिए हैं, जरा थोड़े मोटे काटे हैं इनको मैं। दो मैंने टमाटर ले लिए हैं, छः सात मैंने सबल मिर्च ले लिए हैं, टमाटर भी मैंने लेके इस तरह काट लिए हैं। डेढ़ टी स्पून मैं नमक लिया है, एक टी स्पून मैं लाल मिर्च ली है, आधा टी स्पून मैंने ये हल्दी ली है, एक टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक टी स्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है, एक टी स्पून मैंने ये लिया कश्मीरी वो जो मिर्च थे वो, और आधा टी स्पून मैंने ये ले लिया से जीरा। अब मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताती हूँ। कुकर हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी, नीचे हम चूल्हा जला देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम देख लीजिए हमारा प्याज गोल्डन हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, गोश्त को हमने भून लिया, अब आप इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें दो तीन मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो खत्म हो जाए। ऐसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसे डालूंगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में नमक मिर्च डाल दूंगी, अब इसके अंदर जाएगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, कश्मीरी मिर्च, और सूखे धनिया का पाउडर, ये सब अच्छी तरह भून लेंगे आप।
तरीके को इसको हमने जीरा भून लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह, और इसको हम 5 मिनट के लिए इसको हम कुकर बंद करेंगे। देखा ये हमारे 5 मिनट हो गया है, कुकर को हमने खोल लिया। बार हमको इसको जीरा भुनेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर फलियां डाल देंगे। गोश्त का हमने जीरा भून लिया है, अब आप इसके अंदर डालेंगे फलियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे अब इंसान। फलियों को हमने भून लिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और 5 मिनट के लिए फिर हम कुकर बंद करेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए कुकर बंद करेंगे। देखें जी, माशाल्लाह हमारे फलियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। और प्याज और सब्ज मिर्च। इनको डाल के हम ऊपर से ढाँप देंगे 1 मिनट के लिए, जो प्याज है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। देखिए जी, माशाल्लाह मतलब हमारी फलियाँ तैयार हो गई हैं और जो प्याज है वो भी नरम हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फलियाँ कुछ बहुत अच्छा तैयार हो गया थी। आप हम चूल्हे को बंद करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, हमारे फलियाँ कुछ तैयार हो गया, कितना अच्छा तैयार हो गया। आप भी अपने घर में मेरी तरीके की तरफ खाइएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।